हेलो, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है इस खूबसूरत इवनिंग में। और जीएस एकेडमी के साथ आप इतने लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, इतने सारे लोग, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और हम जो हमारी एक डेली इवनिंग में होने वाली एक टेस्ट सीरीज़ है ना, इसमें हम लगभग अप्रॉक्स 20+ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उन पर पूरा डिबेट करते हैं, उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं कि उस वो एग्ज़ाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। और जिन एग्ज़ाम्स को हम यहाँ पर फोकस करके चल रहे हैं, जनरल स्टडी तो ऑल ओवर जो एग्ज़ाम्स होते हैं आपके वनडे, उन सब के लिए ही है। बट स्पेशली मैं अगर बात करूँ तो CDS का एग्ज़ाम हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, NDA का एग्ज़ाम इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, और FCAT का एग्ज़ाम जो है वो 28, 29, 30 अगस्त को होने वाला है। उसकी डेट जो प्रॉपर आई है वो उस टाइम में है। और उसके लिए भी हमने FCAT का जितना भी करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है, जितना जनरल स्टडी वाला पोर्शन है, वो सब हम ही अभी इसमें टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। UPSC लेवल का जितना भी एग्ज़ाम होता है वो सब हमारे लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्तिक कुमार कह रहे हैं गुड इवनिंग, पंकज मैथ्स कह रहे हैं ट्यूटरल गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग पंकज, वेरी गुड इवनिंग। और आप सभी लोग फटाफट से लाइव आ जाइए भाई, शेयर कर लीजिए जल्दी से फटाफट से। और फिर जब आप लाइव आएंगे और शेयर करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को यहाँ पर समझना स्टार्ट कर देंगे। तो इस इवनिंग में क्वेश्चंस का जो एक पैटर्न होगा वो कैसा होगा, इसमें हमने ऑल सब्जेक्ट इंक्लूड करे हुए हैं विद करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ। और दूसरा आपको क्या समझना है कि बहुत जल्दी ही सेपरेट क्लासेस हो जाएंगी अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो उनका भी हम आपके पास जल्दी से क्वेश्चंस लेके आएंगे जल्दी ही। तो सभी लोग जो भी लाइव जुड़ रहे हैं फटाफट से क्या कर लीजिए, लाइक कर दीजिए भाई, पहले चैट कट करके लाइक कर दीजिए सब लोग, फिर आप लोग चैट पे आ जाइए, क्योंकि वहाँ लाइक होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लाइक जब दिखेंगे तो उससे क्या होगा कि और बच्चे भी इंस्पायर होते हैं क्लास से जुड़ने के लिए, और जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना बहुत ही हेल्दी कंपटीशन होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिशन्स प्रिपरेशन, है ना। तो फटाफट से आ जाइए। कार्तिक कुमार सर, स्टेट पीसेस के लिए भी ले सकते हैं ये क्लास? एब्सोल्युटली ले सकते हैं, बिकॉज GS का पैटर्न सब जगह एक ही होता है। हम UPSC का लेवल, UPSC का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो दैट्स मीन इट इज़ ऑल्सो कंप्लीटेड द स्टेट पीसेस ऑल्स एग्जाम्स, क्योंकि जनरल स्टडी सबका सेम होता है और हमने एक लेवल अप ही रखा है ना। तो आप बिल्कुल ले सकते हैं कार्तिक कुमार, बिल्कुल निश्चिंत होकर क्लास पढ़िए। इस क्लास में क्वेश्चन आंसर देखिए, ज्योग्राफी के जिन टॉपिक से रिलेटेड, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, जिन भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको बहुत अच्छे से कैच करिए, है ना। तब जाके आप उसे क्या कर पाएंगे, बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। एक प्रॉपर कॉपी आपके पास होनी चाहिए, उसका नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चंस का, ताकि वो क्वेश्चंस आपके पास रहे और उस क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, आगे भी अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में ला पाएं। निश्चय रति कह रहे हैं जय हिंद, जय हिंद निश्चय रति, आपको जय हिंद। अंजलि कह रही है सी, रचित चंदेल कह रहे हैं सी, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और बताइए फटाफट से, बताइए फटाफट से, बताइए। गुड इवनिंग नीरज केन कह रहे हैं, पांडव सिंह कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग नीरज केन डी, नीरज केन कह रहे हैं रॉकी माउंटेन्स, मालचंद पवार गुड इवनिंग मालचंद सर, स्टेट पीसेस के लिए भी ठीक है। कार्तिक हम आपका उत्तर दे चुके हैं, और भी लोग फटाफट से नहीं जुड़े हैं अभी भी, वो जुड़ रहे हैं, रिदम में हैं, है ना, एक रिदम में है। कल हम क्लास नहीं ले पाए थे, है ना, बहुत ज़्यादा खांसी हो गया था, जुकाम हो गया था, इसलिए हमने कल का ड्रॉप किया। अगले संडे से प्रॉपर क्लास होगी, है ना। अगले घंटे से हम कोशिश करेंगे कि लगभग एक मंथ का पूरा कंप्लीट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, है ना, जैसे मई जून जुलाई, तो मई का देख लेंगे, अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई एक एक मंथ का कंप्लीट करेंगे, ताकि FCAT के एग्जाम जिन भी लोगों के हैं उनका कोई प्रॉब्लम रहे, 5-6 महीने का लगभग करंट अफेयर्स हम कंप्लीटली करें। एक हफ्ते में एक महीने का करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे, ताकि 2 या 3 घंटे की हम क्लासेस आराम से ले पाएं, ठीक है। तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। नेहा राणा कह रहे हैं माउंटेन फ्यूजी जापान, वेरी गुड। नीरज कह रहे हैं सी, अंजलि खत्री कह रहे हैं जापान, वेरी गुड नीरज सी, सतवीर सिंह कह रहे हैं सी आंसर, ओके माउंट फ्यूजी, मालचंद पवार कह रहे हैं सी, निश्चय रति कह रहे हैं सी, यस एब्सोल्युटली, और ये एकदम राइट है, आंसर एकदम राइट है सी। तो आपको बताना है माउंट फ्यूजी जापान में है, जापान में 3 आइलैंड है ना, कितने
होकाइडो होनशु शिकोको क्यूशु, होकाइडो होनशु शिकोको क्यूशु, चार आइलैंड है, कौन कौन सा आइलैंड है, होकाइडो होनशु शिकोको क्यूशु, ये चार आइलैंड है, कहाँ है, जापान में है, ठीक है। तो जापान में जो ये चार आइलैंड है वो कुछ इस प्रकार से है ना, आप उसे देख सकते हैं ऐसे ऐसे इस प्रकार से है ना, वो ऐसे ऐसे इस प्रकार से है, चार आइलैंड है, और चार आइलैंड में से आपको ये बताना है कि फ्यूजी, माउंटेन फ्यूजी इन चार आइलैंड में से किस आइलैंड पर लोकेटेड है। रिंग ऑफ फायर डी, नहीं दिनेश यादव बिल्कुल नहीं, डी इज रॉकी माउंटेन, नहीं होगा, रॉकी माउंटेन में वॉल्केनो नहीं है, माउंट फ्यूजी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एकदम करेक्ट आंसर है, लेकिन आपको बताना है जापान में ये कौन से आइलैंड पर लोकेटेड है, जापान में फ्यूजी जो वॉल्केनो है वो कौन से आइलैंड पर। सतवीर सिंह कह रहे हैं डी, नहीं रॉन्ग आंसर होगा, पंकज उनियाल कह रहे हैं सी, शिखा टमटा कह रही है सी, वेरी गुड, एकदम सी इज करेक्ट आंसर, माउंट फ्यूजी। देखिए हिमालयन रीजन में कोई माउंटेन नहीं है, दूसरा अरावली माउंटेन्स, अरावली रेजिडुअल माउंटेन है, पूरा राजस्थान वाले रीजन में है और दुनिया का सबसे बड़ा रेजिडुअल माउंटेन है, ठीक है, यहाँ पर भी कोई वॉल्केनो नहीं है और रॉकी माउंटेन में भी वॉल्केनो नहीं है, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कनाडा और अमेरिका के वेस्टर्न वाले पार्ट में इनलार्ज्ड है, तो रॉकी माउंटेन में भी कोई वॉल्केनो नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज माउंट फ्यूजी। और आपको बताना है कि जो फ्यूजी है वो कौन से आइलैंड पे है, सबसे पहले आंसर आया निश्चय का, निश्चय ने कहा है कि जो आइलैंड लोकेटेड है वो है होनशु पर, होनशु जापान का सबसे बड़ा आइलैंड है, सबसे बड़ा द्वीप है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिल्कुल सही कहा सुमात्रा, नीरज के इज द रॉन्ग आंसर, नया राणा कह रही है होनशु, मे भी होनशु सर, पंकज उनियाल कह रहे हैं एकदम राइट आंसर है, पांडव सिंह कह रहे हैं होनशु, एकदम करेक्ट आंसर है, होनशु जापान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला और सबसे बड़ा आइलैंड है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, टोक्यो हो गया, टोयोटो हो गया, नोगाया हो गया, है ना, ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं वो भी कहाँ हैं, होनशु आइलैंड पर ही लोकेटेड है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोक्यो दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो शहर है वो भी कौन से आइलैंड पर है, होनशु पर ही लोकेटेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। होनशु इज द बिगेस्ट आइलैंड, यस बिल्कुल सही कह रहे हैं, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, होनशु ही है, तो चार आइलैंड कौन सा है, होकाइडो सबसे ऊपर, होनशु, उसके बाद शिकोको, फिर क्यूशु, क्यूशु लास्ट में सबसे छोटा आइलैंड इसका आता है, ठीक है। ओके निश्चय रति पक्का होनशु है, यस राइट, एकदम राइट आंसर है, फटाफट से जो भी और लोग जुड़ रहे हैं वो फटाफट से भाई लाइक कर दीजिए सबसे पहले, तो देखिए इतने सारे लोग आए हैं और लाइक नहीं किए हैं अभी लगभग, ठीक है, तो फटाफट से आ जाएं, जल्दी से लाइव जुड़े तो आपको जल्दी ही क्या मिलेगा, उसका रिजल्ट भी मिलेगा, फल भी आपको जल्दी मिलेगा, ठीक है, एकदम करेक्ट राइट आंसर, फटाफट से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए भाई, एकदम से आ जाइए, ओके ओके। हाँ आज हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर ही हैं अभी, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। हाँ होनशु इज द बिगेस्ट आइलैंड, देखिए इस क्वेश्चन के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ा, हिमालय के बारे में आप जानते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये दुनिया का सबसे ऊंचा क्या है, फोल्डेड माउंटेन है, दुनिया का सबसे ऊंचा अवलित पर्वत है, इसका एवरेज हाइट लगभग 5,500 मीटर के समथिंग आता है, विच इज अ वेरी वेरी हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे ऊंची फोल्डेड माउंटेन है, और दूसरा दुनिया का दूसरा सबसे लंबा फोल्डेड माउंटेन है, दुनिया का सबसे ऊंचा फोल्डेड माउंटेन है, दुनिया का दूसरा नंबर का सबसे लंबा क्या है, फोल्डेड माउंटेन है, तो पहले नंबर पर कौन आता है, एंडीज आता है, फर्स्ट नंबर पर कौन आता है, एंडीज आता है, सेकेंड नंबर पर कौन आता है हिमालय, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके वेरी गुड, एकदम करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े क्या, इसके बारे में रॉकी आप जानते हैं, कनाडा और यूएसए, मैं यहां पर एक छोटा सा मैप बनाऊंगा यूएसए का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, तो यहां पर आप अगर देखेंगे ये इस प्रकार से है, ये हो गया आपका कैलिफोर्निया, और इधर से होते हुए ये हो गया आपका फ्लोरिडा, इधर से होते हुए ये न्यूफाउंडलैंड, ये हो गया आपका एक गल्फ, और यहां पर है रॉकी माउंटेन, ऐसा लगभग मैं इसे अलग कलर से दिखाना चाहूंगा, ये व्हाइट कलर से आप देख लीजिए, ये है रॉकी, है ना, रॉकी माउंटेन्स ऐसा फैला हुआ है, तो रॉकी माउंटेन्स में कोई वॉल्केनो प्रेजेंट नहीं है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। अरावली रेंजेस, अरावली माउंटेन इंडिया में है, आप जानते हैं, इंडिया में मैं इनको अलग कलर से दिखाऊंगा,
कि अरावली जो है वो देखिए यहां पर है, अरावली रेंजेस राजस्थान, लगभग गुजरात, नॉर्दर्न गुजरात से होकर, और दिल्ली रायसीना हिल्स, राष्ट्रपति भवन जो है ना वो भी अरावली रेंजेस पर ही बना हुआ है, जिसको हम रायसेना हिल्स के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली वाले क्षेत्र में अरावली रेंजेस को रायसेना हिल्स के नाम से जाना जाता है, वो भी उसी रीजन्स में क्या है, फैला हुआ है ना। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, फिर अगला देखिए, हिमालय रेंजेस तो आपको पता है नॉर्थ में है, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, है ना। एक बार क्लास में आकर ड्राइंग देख लीजिए ना, आपको मतलब एकदम इश्क नहीं हो गया ना तो हमें बता दीजिएगा, है ना। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए फटाफट से आगे बढ़ें, आगे बढ़ते ही चलें और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, द रेजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, निम्न में से कौन से शहर में, है ना, निम्न में से कौन से शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस शहर में पास किया गया, आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बताना है। फटाफट से बताइए, फटाफट से, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस शहर में पास किया गया, और वहां पर गांधी जी ने एक बहुत लंबा चौड़ा भाषण भी दिया था, है ना, कि मैं अब जिन्ना के हृदय परिवर्तन का इंतजार नहीं कर सकता, है ना, अब मैं भारत के लोगों को एक मूल मंत्र देना चाहता हूं, करो और मरो। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, ठीक है, कार्तिक कह रहे हैं ए, सबसे पहले आंसर आया कार्तिक का, वेरी गुड कार्तिक, एकदम एक्सीलेंट आंसर। तानिशा पाठक, वेरी गुड इवनिंग तानिशा, वेरी गुड इवनिंग। फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए, है ना, तो लाइक शेयर करेंगे तो मजा आएगा। फिर शिखा कह रही है डी, क्या हो गया है शिखा, है ना, याद नहीं किए हैं क्या, मॉडर्न हिस्ट्री फिर से पढ़ना पड़ेगा। दिनेश यादव कह रहे हैं बॉम्बे, वेरी गुड। नेहा राणा कह रहे हैं लखनऊ। क्विट इंडिया मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूं, तो क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट लखनऊ कैसे हो जाएगा, लखनऊ इज रॉन्ग आंसर भाई, लखनऊ इज रॉन्ग आंसर, है ना, मुंबई के, है ना, आंसर बता दें क्या। रचित चांदिल कह रहे हैं ए, कार्तिक कुमार कह रहे हैं ए, बिल्कुल एकदम करेक्ट, एकदम राइट आंसर कह रहे हैं, यस एब्सोल्युटली, जो ए होगा इज राइट आंसर, है ना, बॉम्बे इज राइट आंसर, बॉम्बे इज ग्वालियर टैंक मैदान, ग्वालियर, ग्वालियर टैंक मैदान, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई, है ना। यहां पर गांधी जी ने एक बहुत बड़ा भाषण भी दिया था और गांधी जी ने इसी मैदान में इस प्रस्ताव को रखवाया भी था, और रखवाया किसने था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, ध्यान रखिएगा, इस प्रस्ताव को किसने रिप्रेजेंट किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रस्ताव जो था वो उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, किसने बनाया था, किसने रखा था, है ना, तो उन क्वेश्चंस को भी आप ध्यान रखिएगा। वेरी गुड, बहुत सही भाई, आप जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं सबने लाइक किया है ना, और लाइक और शेयर तो मतलब निश्चित है ना, सब लोग शेयर करते हुए चलें भाई, इस स्कीम को सबको बता दीजिए, है ना, इस स्कीम के बारे में सबको बता दीजिए, सबको पता लग जाए कि कौन सा स्कीम चल रहा है, तब ज्यादा मजा आएगा। बॉम्बे बॉम्बे बॉम्बे, यस यस यस, 100 लाइक, बिल्कुल एकदम ठोक दीजिए भाई, ठोक बजा के, है ना। चलिए फटाफट देख, ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई में ये हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त को ये प्रस्ताव पास हुआ था, कब पास हुआ था, 8 अगस्त यानी अगले ही महीने, है ना, 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव पास हुआ था, और इस मूवमेंट के लिए जो डेट रखी गई थी वो रखी गई थी 9 अगस्त, है ना, 9 अगस्त 1942 को डेट रखा गया था, कब रखा गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन किस दिन पास किया गया, 8 अगस्त 1942 को पास किया गया। गांधी जी ने कहा था कि हम अगले दिन से यानी 9 अगस्त से हम क्या करेंगे, आंदोलन की तैयारी करेंगे, है ना, और 9 अगस्त यानी 8 अगस्त के दिन पास हो गया। 8 अगस्त की रात ठीक 12 बजे ब्रिटिश सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन जीरो आर, है ना, और अंडर द ऑपरेशन जीरो आर के अंतर्गत कांग्रेस के जितने भी बड़े लीडर थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया, है ना, और इन्हें 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 जेल में बंदी बनाकर कहां रखा गया, अहमदनगर फोर्ट में, है ना, सारे बड़े नेता। आपको बताना है आंसर कि गांधी जी को 9 अगस्त को कहां बंदी बनाकर रखा गया था, आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, फटाफट से बताइए, आज की क्लास में 500 लाइक होने चाहिए। कार्तिक कुमार ठोक दो, अरुण आसफ अली ने भी नेतृत्व किया था, वेरी गुड। कुछ लोग गूगल करने भूल गए शायद, आज गलत आंसर कर रहे हैं, क्या बात है ना, टॉन्ट मार रहा है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ओके,
हाँ, तो बताना क्या है आपको, बताना ये है आपको, बताना ये है आपको, 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार करके, रमेश यादव गुरु जी प्रणाम, एकदम नमस्कार भाई नमस्कार, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि, आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि गांधी जी को जेल में बंद करके कहाँ रखा गया था, है ना। फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए। ठीक है, गांधी जी को कहाँ, ठीक है, यरवदा जेल। दिनेश यादव कह रहे हैं यरवदा जेल, यरवदा जेल। पंकज उनियाल कहते हैं यरवदा जेल। ओके, पुणे की यरवदा जेल में उन्हें क्या करके रखा गया, बंद करके रखा गया, यरवदा जेल में, है ना, यरवदा जेल में उन्हें बंद करके रखा गया। वेरी गुड, एकदम एब्सोल्युटली राइट आंसर, यरवदा जेल में उन्हें बंद करके रखा गया, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, यरवदा जेल में। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो और बड़े लीडर्स थे, उन सबको गिरफ्तार करके अहमदनगर फोर्ट में लिखा गया, बंदी बनाया गया था। और इसी अहमदनगर फोर्ट वाली जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बुक लिखी थी, या वहां से लिखना इन्होंने प्रारंभ किया था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको इस क्वेश्चन को नोट भी कर लेना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो बुक है, जिसका नाम है, कौन सी बुक है, कौन सी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यही से लिखना उन्होंने प्रारंभ किया था, यही लिखा था उन्होंने। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, है ना, कि कहां पर उनके द्वारा लिखा गया, ठीक है। ओके चलिए, ठीक है, अगला। सपना सजवान कह रही है यरवदा, वेरी गुड सपना, एकदम राइट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें, थर्ड क्वेश्चन की ओर चलें, है ना। तो थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने ये, विच वन ऑफ फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। ठीक है, तो आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया सिखा करे हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंकज उनियाल करें, वेरी गुड वेरी गुड। आपको यह बताना है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और पूरे कैबिनेट की नियुक्ति करता है, ये तो आप जानते ही हैं, है ना, ओथ सेरेमनी होता है प्रॉपर, उसमें बहुत सारे लोग को बुलाया जाता है मेहमान के तौर पे। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर करने की, किस आर्टिकल में ये लिखा गया है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाएगी, है ना, फटाफट से बताइए, फटाफट से। आर्टिकल 74 बी, आर्टिकल 74, आर्टिकल 74, आर्टिकल 74। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, फटाफट से बताइए। आर्टिकल 74, रचित कह रहे हैं सी। आर्टिकल 75, अच्छा ठीक है, आर्टिकल 75। नेहा कह रहे हैं आर्टिकल 74, अच्छा आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में तो ऐसा भी लिखा गया है, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए, है ना, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिमंडल होगा, है ना, एक क्या होगा, मंत्रिमंडल होगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करेगा, ये भी तो लिखा हुआ है उसमें, है ना। तो फिर बताओ फिर जरा, कैसे ऐसे बोल रहे हैं कि आर्टिकल 74 है, BBB 74, पंकज उनियाल कह रहे हैं 74, मालचंद पवार कह रहे हैं B 74, आर्टिकल 74। ओके, बहुत ही जबरदस्त पूछ रहे हैं, बता रहे हैं भाई, देखते हैं अभी राइट आंसर क्या है। आर्टिकल 74 74 74 74, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए। तानिशा पाठक कह रही है बी, तानिशा पाठक करें आर्टिकल 74। 75 में तो सर नंबर लिमिट है, अच्छा ठीक है। 76 में मंत्रिपरिषद, दिनेश कह रहे हैं, अच्छा ठीक है। ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, फटाफट से गूगल मत करना, मिलेगा नहीं, है ना, तो अपने से बताना है, आपने खुद से बताना है ना, खुद के दम पे बताना है आपको, तो घबराइए नहीं, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, है ना, आपको सिर्फ बताना है। कार्तिक ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, तो बताइए भाई जरा, है ना। आर्टिकल 53 भी मैं यहां पढ़ूंगा, आर्टिकल 54 भी यहां पढ़ूंगा, है ना। आर्टिकल 52 तो आप जानते ही हैं, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में लिखा गया है, समस्त कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा, समस्त कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा संपूर्ण देश का क्या करता है, संचालन करता है, प्रशासन को चलाता है ना।
यहां से तो लगता है राष्ट्रपति बहुत पावरफुल है, लेकिन आर्टिकल 74 पढ़ेंगे आप तो पांडव सिंह कह रहे हैं सी, दिनेश यादव कह रहे हैं 74 इज राइट, है ना, तुषार नेगी कह रहे हैं 76। अब तो जबरदस्त कॉम्पिटिशन होने लगा है। सपना सजवान आंसर बता दीजिए जरा कि क्या होगा, है ना। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है लग रहा होगा आपको, लेकिन इतना ही ईजी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। आयुषी असवाल कह रही हैं 74, नेहा राणा कह रही हैं 74 इज करेक्ट, वेरी गुड, बी का 74। आर्टिकल सर फर्स्ट आई सेड, नीरज केन कह रहे हैं 74, यस 74 इज बिल्कुल सही आंसर है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिमंडल होगा, एक मंत्रिपरिषद होगी, है ना। सर फर्स्ट आई सेड, नहीं 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 नहीं, है ना, ये तो पब्लिक पोल हो रहा है जिसमें आंसर बताया जा रहा है कि कौन है, 74 आंसर है, क्या बात है, गजब की बात है। सर सर फर्स्ट आई सेड, ओके 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 ओके, हाँ ठीक है। सपना सजवान कह रही है कुछ, सर आपको नमस्ते कर रही हूँ, ओके ओके, थैंक यू सो मच, आप हमेशा ऐसे ही पढ़ते रहें और जल्दी ही इस वर्ष में, आगामी वर्ष में आप नौकरी की ओर जाएं, ठीक है ठीक है, ओके ठीक है, करेक्ट राइट राइट, ठीक है भाई, है ना। तो बताइए आर्टिकल 53 में क्या लिखा हुआ है, कोई बता पाएगा कंप्लीट, है ना, आर्टिकल 53 में क्या लिखा हुआ है कोई बताएगा, एनीवन फटाफट से उत्तर दीजिए, आर्टिकल 53 में क्या लिखा हुआ है फटाफट से बता दीजिए, है ना, फटाफट से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, हाँ फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से जल्दी से बताइए, जल्दी से आर्टिकल 753 क्या है, भारत का एक राष्ट्र 52, ठीक है ठीक है ठीक है, सर मैं भी नमस्ते कर रहा हूँ, ठीक है पंकज उनियाल, जल्दी ही आप, ठीक है जय, ठीक है। देखिए मैं सभी लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा, देखिए जिन भी लोगों ने आर्टिकल 74 बताया था उनका एकदम गलत उत्तर है, है ना, ये नहीं होगा बल्कि आंसर, आंसर जो होगा वो होगा आर्टिकल 75, बहुत ही कम लोगों ने राइट आंसर बताया था, है ना, आर्टिकल 74 नहीं होगा बल्कि आर्टिकल 75, है ना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा, ये आर्टिकल 75 में कहा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ एक बच्चे का सही आंसर, प्रेसिडेंट विल बी हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, यस ये 53 में है, एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास होंगी जिसे कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति निहित होगी, दिनेश यादव कह रहे हैं बिल्कुल सही, लेकिन यहां तो देख लो, यहां तो देखो जरा कि यहां क्या उलट फेर हो गया है, आर्टिकल 74 इज रॉन्ग फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। सी गुलशन कुमार कह रहे हैं सी, यस गुलशन यही तो हम समझा रहे हैं। अभिनव ढाका कह रहे हैं क्यों नहीं, सपना जी सर का आशीर्वाद तो हमेशा ही सबके साथ है, बिल्कुल सही कहा, आप सभी लोग के साथ है भाई। तो फटाफट से जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं वो लाइक करते हुए चलें, फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग लाइक करते हुए चलें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। गुलशन कुमार कह रहे हैं सी, यस सभी लोग इस आंसर दे दीजिए, आर्टिकल 75 में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यह लिखा गया है, दैट इज अरुण वशिष्ठ, गुड इवनिंग सर अरुण वशिष्ठ, यू आर टू लेट एंड इट इज अ टोटली रॉन्ग, है ना। तो ध्यान रखिएगा आप बिल्कुल गलत तरह से, है ना, ठीक है ओके वेरी गुड है ना, बहुत लेट है ना, कारण बताओ, नोटिस जारी किया जाएगा इस बात के लिए भी, आर्टिकल 75 वाज राइट आंसर, ओके। आप देखिए भाई जरा, हाँ हाँ, द प्रोविजंस ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 आर नॉट एप्लीकेबल टू ट्राइबल एरियाज ऑफ विच स्टेट, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 किस जनजातीय क्षेत्र में लागू नहीं होगा। अब आप समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन को कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे देश में बवाला काट के रखा है इस क्वेश्चन ने, बवाला नहीं काटा बल्कि बवाल मचा दिया है ना, आपने देखा होगा। मैं आज इस जो स्कैब है सीएबी, है ना,
सीएबी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 1955 ये वाला भी समझाऊंगा और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए 2019 भी समझाऊंगा, दोनों ही मैं इसमें समझाऊंगा। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो सीएए 19 से पूछा गया है, है ना, कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारत के इन राज्यों में से किस राज्य के ट्राइबल क्षेत्र में लागू नहीं होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो फटाफट से उत्तर दीजिए, जल्दी से उत्तर दीजिए। आप बताएंगे नागालैंड, झारखंड, सब बता रहे हैं आंसर सी, नागालैंड 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 नागालैंड। हिमांशु शुक्ला, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग हिमांशु, वेरी गुड इवनिंग। क्वेश्चन देखें और सीधा आंसर ठोकें, है ना, लाइक ठोकने के बाद सीधा आंसर ठोकें फटाफट से। चलिए, पांडव सिंह कह रहे हैं सी, ओके गुड इवनिंग, ठीक है नागालैंड। गुलशन कुमार कह रहे हैं नागालैंड। नीरज कियन कह रहे हैं सी सी सी, ओके नीरज कियन कह रहे हैं। हिमांशु आप बताइए भाई आंसर क्या होगा, लाइक करो सब। कार्तिक कुमार कह रहे हैं, नीरज कियन कह रहे हैं सी, अच्छा नागालैंड नागालैंड नागालैंड, ओके। सपना सजवान भी कह रही है नागालैंड। रचि चंदेल ने सी आंसर किया, नागालैंड, हाँ ओके। एलन मस्क भी कह रहे हैं नागालैंड। नीरज केन, गुलशन कुमार, गुड इवनिंग गुलशन, आपने पहले मैसेज किया था, ठीक है। नेहा राणा कह रही है आंसर नागालैंड, ओके वेरी गुड, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त है ना, वेरी गुड, ठीक है। जय हिंद सर। रविंदर सिंह बहुत लेट से पहुंच रहे हैं, जय हिंद, फटाफट से आंसर करिए। हिमांशु शुक्ला कह रहे हैं सी नागालैंड, अच्छा इस राज्य में नहीं लागू होगा क्या, अच्छा नागालैंड में तो परमिट सिस्टम है ना, नागालैंड को तो पहले ही सेपरेट रखा गया था, है ना, तो नागालैंड तो पहले ही सेपरेट था, नागालैंड में तो इनर परमिट लाइन में आता है ना, इनर परमिट लाइन, इनर परमिट लाइन में आता है, तो वो स्टेट में तो पहले से ही नहीं था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना वो है मेघालय, कौन सा है, मेघालय है। नागालैंड में तो ऐसी पहले ही प्रोविजन कर दिया गया था, ये इंप्लीमेंट नहीं है, है ना, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सी। अरुण वशिष्ठ कह रहे हैं सी, नहीं नहीं सी नहीं सी नहीं सी नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है मेघालय, कौन सा आंसर है, मेघालय आंसर है, ध्यान रखिएगा। अब जरा हम समझाएं आपको कि कैब 1955 क्या था, मैं बहुत ही अच्छे से उसे समझाऊंगा। कैब 1955 में नागरिकता किस प्रकार से दी जाए बाहर से आने वाले व्यक्तियों को, इस बारे में वर्णित किया गया था, है ना। फिर हम इसके बारे में आएंगे कि इस पर क्यों इतना हल्ला मचा हुआ था, इतना डिबेट क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब बात करें कैब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 1955 पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पीरियड में ये लाया गया था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कानून था। अब जरा ध्यान दीजिए, जब सीएबी लाया गया था 1955 का, तो उसमें सिटीजनशिप देने की बात की गई थी कि किस प्रकार से नागरिकों को सिटीजनशिप दी जाएगी, है ना। तो उसमें जो कारण बताया गया था कि तीन आधार पर हम नागरिकता देंगे, कितने आधार पर नागरिकता देंगे, हम तीन आधार पर नागरिकता देंगे, ए बी और सी, तीन आधार पर हम क्या देंगे, नागरिकता दी जा सकती है किसी व्यक्ति को। पहला जो ए वाला रीजन था वो था रजिस्ट्रेशन के थ्रू, है ना, अगर कोई भारतीय किसी विदेशी से विवाह कर ले या कोई विदेशी किसी भारतीय से विवाह कर ले तो वो व्यक्ति बाय द रजिस्ट्रेशन नागरिकता ग्रहण कर सकता था, दैट इज वेरी सिंपल, है ना, कि वो तब एलिजिबल हो जाता था कि वो भारत में रजिस्ट्रेशन करवा सकता था कि भाई हमें नागरिकता चाहिए। बहुत ही सिंपल शब्दों में बहुत शॉर्ट समझा रहा हूं, है ना। दूसरा प्रोविजन रखा गया था नेचुरलाइजेशन, है ना, नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी स्थान पर रहते हैं तो वहां के तौर तरीके कितने समय में सीखते हैं, तो भारत सरकार ने उसमें कहा था 1955 में कि अगर कोई व्यक्ति 11 साल तक भारत में रह लेता है, कितने साल तक, 11 साल तक भारत में रह लेता है तो उसे नेचुरलाइजेशन के बेस पर नागरिकता दी जा सकती है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। उसे नेचुरलाइजेशन मतलब भारत में 11 साल तक रहेगा तो नेचुरलाइजेशन मतलब होता है वहां का रहन सहन, वहां के जो नियम कानून होते हैं, रीति रिवाज, वो सब चीजें क्या कर लेगा, सीख जाएगा एक तरीके से, और तब ये मान लिया जाएगा कि हाँ अब ये भारत में नागरिक बनने लायक हो गया है, तो 11 साल भी रहते रहते हो गया है, तौर तरीके भी सीख गया है, कानून की भी मूलभूत जानकारी हो गई है, अब इसे भारत की नागरिकता दे दी जाए, तो 11 साल में उसे नागरिकता दी जाती है। तीसरा जो सी वाला था कि अगर किसी भी लैंड को भारत में मिला लिया जाए, है ना,
किसी भी लैंड को भारत में मिला लिया जाए जो भारत का भी नहीं है, तो उन लोगों को सीधा नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, जैसे गोवा को किया गया, सिक्किम को किया गया, तो इनको लैंड ऑक्यूपाइड किया गया और इनको सीधा नागरिकता दी गई। तो तीन आधार थे, पहला रजिस्ट्रेशन के थ्रू, अगर कोई विदेशी किसी भारतीय से विवाह कर ले या कोई भारतीय किसी विदेशी से विवाह कर ले तो उसके लिए नागरिकता का प्रावधान, दूसरा नेचुरलाइजेशन, अगर कोई विदेशी यहां पर 11 साल रह ले तो उसे नागरिकता का प्रावधान, और तीसरा था अगर किसी लैंड को भारत सरकार ऑक्यूपाइड कर ले तो उसके लिए नागरिकता का प्रावधान। बात सुनाया, अब जरा ध्यान दें। दूसरा, अब आया बात CAA, CAA पर इतना हंगामा क्यों बरपा, है ना, इतना हंगामा क्यों बरपा, सब लोग ध्यान दीजिए, हंगामा क्यों बरपा, किस बात पर बरपा, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भाई पहले भारत सरकार ने अमेंडमेंट लाए, तो जैसे ही अमेंडमेंट लाए तो लोगों ने क्या बोलना शुरू कर दिया, भारत के संविधान में चेंज कर दिया, नागरिकता खत्म हो रही है, ये हल्ला ओ हल्ला, पता नहीं क्या क्या हल्ला मचाया, है ना, देखा आपने। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन इज कि भारत सरकार ने जो हमारा पार्ट टू है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो पार्ट टू है सिटीजनशिप वाला पार्ट, उसको टच ही नहीं किया। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक डिफरेंट टाइप के प्रोविजंस लिखे गए हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड, तो उसके बारे में कोई बात ही नहीं की गई, है ना, उसके बारे में बात नहीं। भारत सरकार ने मेन स्टैट्यू, मेन कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़ा ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, ये किसमें अमेंडमेंट किया गया, किसमें संशोधन किया गया, तो जो ये संशोधन किया गया था वो इस 1955 वाले में संशोधन किया गया था। किसमें संशोधन किया गया, 1955 वाला जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था उसमें संशोधन किया गया, न कि भारतीय संविधान में संशोधन किया गया, पहली बात तो समझनी पड़ेगी। तो जो लोगों ने बोला कि भारतीय संविधान में संशोधन किया, भारतीय संविधान का हत्या कर दी, भारतीय संविधान का उल्लंघन कर दिया, वो एकदम गलत, सब बकवास कर रहा था लोग, करेक्ट, समझ में आया, सब बकवास कर रहा था, है ना। अब जरा ध्यान दो, तो क्या परिवर्तन किया, देखो भाई भारत सरकार ने सीधा बोला कि जो हमारा ये तीन पड़ोसी देश हैं, कौन कौन सा, एक तो ये अफगानिस्तान, एक ये पाकिस्तान और एक ये बांग्लादेश, ये तीन जो देश है ना, ये जो तीन देश है ना, ये तीन देश ऐसे देश हैं जो इस्लामिक कंट्रीज या इस्लाम धर्म को यहां पर प्रमुखता से माना जाए। पाकिस्तान ने अपना आप को इस्लाम कंट्री घोषित किया हुआ है, अफगानिस्तान से किया हुआ है, बांग्लादेश का कभी रहता कभी नहीं रहता कुछ पता ही नहीं है, और इन तीन देशों में 6 कम्युनिटी के लोग का, 6 धर्म के लोग का, हिंदू, सिख, जैन, पारसी, है ना, बौद्ध और क्रिश्चियन, इन 6 धर्म के लोगों का रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है। परसिक्यूशन क्या मतलब होता है, रिलीजियस परसिक्यूशन का मतलब होता है धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है ना, इन तीन देशों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तीन देशों में जो 6 धर्म के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम को छोड़कर और जो है भारत में, मुस्लिम को छोड़कर जो और लोग हैं उनका क्या हो रहा है, रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है, धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है। इसलिए अगर वो लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भारत में माइग्रेंट करके आते हैं तो उनको हम क्या देंगे, नागरिकता देंगे, पहली बात, नागरिकता देंगे। लोगों ने बोला भाई आप नागरिकता क्यों देंगे, तो भारत सरकार ने क्या उत्तर दिया कि वो इस्लामिक कंट्रीज हैं, वहां वो पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं है, इसलिए वहां पर हमारी जो 6 कम्युनिटी है उनका धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है, इसलिए वो भारत आ सकते हैं। तो पूछा गया भाई कि नागरिकता किस बेस पर देंगे, यानी लेने का मेथड क्या होगा, लेने का मेथड तीन बताया गया था नागरिकता का, पहले इस वाले में बताया गया था ना मेथड तीन, रजिस्ट्रेशन के थ्रू, है ना, नेचुरलाइजेशन के थ्रू और लैंड ऑक्यूपाइड। तो पूछा गया कि भाई किस बेस पर दोगे, तो भारत सरकार ने बोला जो बी वाला तरीका था, बी वाला तरीका, और बी वाला तरीका क्या था, नेचुरलाइजेशन। अब नेचुरलाइजेशन में टाइम कितना लगता है, 11 साल, तो भारत सरकार ने 11 साल से घटाकर कितना कर दिया, 6 साल, बस नया कितना कर दिया, घटाकर 6 साल। और फिर क्या बोला कि 31 दिसंबर 2014 से पहले इन तीन देशों से जो भी अदर कम्युनिटी का लोग इंडिया आया है उनको हम नागरिकता प्रदान करेंगे, उनको हम क्या प्रदान करेंगे, नागरिकता प्रदान करेंगे, बात समझ आया। और ये इसमें एक मूलभूत जो मेन बेस था ये था। लोगों ने इस पर बहुत विवाद किया, लोगों ने कहा मुस्लिम धर्म के लोगों को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है जब इनको बुलाया जा रहा है, तो भारत सरकार ने कहा भाई वो जो देश है ना, तीन देश है, वो मुसलमानों के ही देश हैं, है ना, वहां पर उनका धार्मिक उत्पीड़न नहीं हो रहा है, बल्कि जो हिंदू
और सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, क्रिश्चियन ये हैं जो इनका रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है, धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है, इसलिए हम भारत में इनको शरण देंगे और इनको नागरिकता देंगे। बात समझाया है? बात समझाया है? ये ठीक है? ओके ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल एकदम एकदम जानते हैं जी, बिल्कुल जानते हैं, आपने बिल्कुल देखा होगा, है ना? तो जरा इस पर फोकस करें, ठीक है? तो ये बात है, तो धार्मिक उत्पीड़न के आधार दे दिया गया। फिर ये बोला गया भाई कि रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो भारत सरकार ने बोला भाई हम जो इंडियन नागरिक हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, जो विदेश से आ रहे हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, है ना? उनको हम जो मुस्लिम धर्म के लोग होंगे उनको तो हम सिटीजनशिप देंगे ही नहीं। ये था पूरा का पूरा एक्ट, और ये भारत के ट्राइबल रीजन जो मेघालय में है वहां पर ये लागू नहीं होगा। नागालैंड में तो इनर परमिट लाइन है, वहां पर अभी भी आप जाओगे तो अभी भी आपको बताना पड़ता है कि आप कितने दिन रहेंगे, है ना, आप कहां पर किस काम से जा रहे हैं, कितने दिन बाद लौटेंगे। तो इनर परमिट लाइन का मतलब यही होता है कि जब आप उस स्टेट में एंटर करेंगे तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन वहां पर देनी पड़ती है। बिल्कुल सही कहा, एकदम ठीक है, सही कहा। कांग्रेस पार्टी ज्यादा हल्ला करती है, नो डाउट, बिल्कुल एकदम सही कहा। और इसे हम क्लास में बहुत अच्छे से समझा चुके थे, इसे डिफरेंट एस्पेक्ट पर भी हम क्या कर चुके थे, चर्चा कर चुके थे, है ना? चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिकल वॉज स्क्रैप्ड बाई द पार्लियामेंट, निम्न में से किस अनुच्छेद को भारतीय संसद के द्वारा स्क्रैप्ड, मनी होता है निलंबित, सस्पेंड, समाप्त कर दिया गया है? फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही कहा, एकदम हटके क्वेश्चन था, ये भी एकदम हटके क्वेश्चन है, है ना, ये भी एकदम क्या है, हटके क्वेश्चन है। फटाफट से उत्तर दीजिए, जरा फटाफट से उत्तर दीजिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल देखा होगा, है ना, बिल्कुल देखा होगा जी, साथ में, है ना, साथ में ही तो है, मित्र मित्र साथ में ही रहते हैं हमेशा, है ना? नेहा, आर्टिकल 370, सब लोग को इसका आंसर पता होगा। सर मैंने कुछ कहा, क्या कहा, हमने नहीं पढ़ा, कहाँ कहा था, अच्छा पॉलिटिकल अनुच्छेद को याद करने का तरीका बताएं। ओहो, ये तो बड़ा, ये तो बहुत ही, हिमांशु शुक्ला कह रहे हैं ए ए ए 370, मुझे फटाफट से डेट लेकर भेज दीजिए भाई, किस डेट को हराया गया था, जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर बता दीजिए, किस डेट को हराया गया था, 370 राइट, किस डेट को हराया गया था। आर्टिकल को याद करने का देखिए एक ही तरीका है, एक ही तरीका है, एक महीने तक जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है ना उनको पहले दो पेजेस में लिख दीजिए, तीन पेजेस में लिख दीजिए, एक महीने तक सुबह उठते ही डेली उनको पढ़िए, इससे बेहतर तरीका कुछ नहीं होता। मतलब सुबह उठते ही फर्स्ट काम इज उठा, एकदम से लाइन वाइज पढ़ दिया, ये सीधा सीधा पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो कभी गलत नहीं होगा, वो हमेशा याद रहेगा। हमने भी ऐसे ही किया था, हम सही बताएं जरा, हमें लगभग अप्रॉक्स कंप्लीट वर्ल्ड का कंट्रीज याद है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का कंट्री तक हम याद कर डाले, है ना, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, किरबाती, मार्शल, माइक्रोनेशिया, नोरू, गुआम, न्यूक्लोडोनिक, पापुआ, सेलमन, टोंगा, तुवालु, बनातु, समोआ, पलाऊ, कोरोल, न्यूजीलैंड, इतना लगभग ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में इतना कंट्री देखा है कभी, मतलब इतना छोटा छोटा कंट्री हम वो तक याद कर डाले। बस सिर्फ एक तरीका था याद करने का, देखिए एक तरीका, आज भी हम यूं उंगलियों में सारे कंट्रीज गिन लें, देखिए ऑस्ट्रेलिया, फिजी, किरबाती, मार्शल, माइक्रोनेशिया, नोरू, गुआम, न्यूक्लोडोनिक, पापुआ, सेलमन, टोंगा, तुवालु, बनातु, समोआ, पलाऊ, कोरोर, न्यूजीलैंड, इतना लगभग कंट्री है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में, है ना? तो इन कंट्री को याद करने का, आर्टिकल याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, डेली सुबह उठना है, डेली सुबह उठना, देखना है बस सारे आर्टिकल को, देखना डेली रोज, है ना, इनको देखते चलेंगे और याद होगा। आप जानते हैं इस बात को, जिसे हम रोज देखते हैं, है ना, जिसे हम रोज पहचानते हैं, हर बार उसको देखते हैं, उठ उठ कर जिसे देखते हैं, उससे तो हमें लगाव हो ही जाता है, वो याद तो हो ही जाता है, वो दिल में बस तो जाता ही है ना, है ना? तो आप निश्चिंत रहें, ठीक है, ठीक है, 5 अगस्त, ठीक है, बिल्कुल सही कहा, हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ाते हैं, नो डाउट, बहुत बढ़िया इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही कहा, एकदम राइट कहा आदर्श, है ना, एकदम बहुत बढ़िया कहा, है ना, ठीक है। 5 अगस्त 2019, 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ, वेरी गुड, दिनेश यादव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। 4-5 अगस्त 2020, दिनेश यादव, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
एकदम करेक्ट भाई, हिमांशु शुक्ला, 5 अगस्त, आदर्श कुमार, मैं भी ठीक है। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद, है ना। ठीक है, एक बहुत लंबा दौर हमने साथ में बिताया है, तो आप ठीक है, एब्सोल्युटली यू आर राइट सर, एकदम सही कहा। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने यह घोषणा करी थी कि जम्मू कश्मीर से 370 अनुच्छेद को हटाया जाता है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आप ये मानेंगे कि ठीक है आदर्श, ठीक है एब्सोल्युटली यू आर राइट सर, ओके 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था ये आर्टिकल, है ना। ठीक है, 356 आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है ना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन, थैंक्स, ओके राइट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। हाँ अगला क्वेश्चन है भाई, रेगुर सॉयल, है ना, ब्लैक सॉयल भी जानते हैं इस मिट्टी को, काली मृदा भी बोलते हैं, मैं लिख देता हूं यहां पे, बल्कि काली मृदा, भारत के काली मृदा, काली मृदा भारत के, है ना, भारत में सर्वाधिक किस राज्य में फैला हुआ है, आपको क्या बताना है, भारत में सर्वाधिक किस राज्य में फैला हुआ है रेगुर सॉयल, इन लार्ज, इन बिगेस्ट रीजन ऑफ विच रीजन, लार्ज, इन लार्ज, इन लार्ज, इन बिगेस्ट रीजन ऑफ विच स्टेट, कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है रेगुर सॉयल, इसे ब्लैक सॉयल भी बोलते हैं, काली सॉयल, काली मिट्टी भी से बोलते हैं, है ना। तो फटाफट से बताइए, पहला आंसर आ रहा है डी, अजय चौहान का डी, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, रचित चंदेल कह रहे हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र नहीं, शिखा टमटा कह रही है झारखंड, नेहा राणा कह रही है महाराष्ट्र, ओहो ओहो महाराष्ट्र, झारखंड, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र आंसर आ रहा है महाराष्ट्र ए, अजय चौहान कह रहे हैं वेरी गुड अजय चौहान, नीरज कैन कह रहे हैं महाराष्ट्र, सपना सजवान कह रही है ए महाराष्ट्र, गुलशन कुमार कह रहे हैं ए महाराष्ट्र, क्या बात है, गजब, एकदम जबरदस्त। हाँ भाई फिर से आप एक क्वेश्चन और यहीं पर पुट अप कर देते हैं, काली मृदा सबसे अच्छा किस चीज के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, सबसे ज्यादा किस चीज के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, किस चीज का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है ब्लैक सॉयल में, आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी बताना है, ए ए आंसर अभी बता रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ओके वेरी गुड वेरी गुड, पांडव सिंह कह रहे हैं ए, हिमांशु शुक्ला कह रहे हैं ए, ओके महाराष्ट्र, डेक्कन प्लेट्यू रीजन, यस डेक्कन प्लेट्यू रीजन, दक्कन का पठार, है ना, डेक्कन प्लेट्यू रीजन, पूरा जो रीजन है ना, जो पूरा रीजन है महाराष्ट्र वाला, एक तो गुजरात वाला रीजन हो गया, दूसरा ये पूरा रीजन जो है, ये वाला पूरा रीजन, मैं इसे दूसरा ही पेन से यूज कर रहा हूं, ये जो पूरा रीजन है, ये वाला जो पूरा रीजन है, ब्लैक सॉयल वाला पूरा रीजन है ना, और ये सबसे अच्छा जो प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, सबसे बढ़िया जो प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, कॉटन, कपास, ठीक है ठीक है, साक्षी तिवारी आंसर कर रही हैं, वेरी गुड साक्षी, नीरज केन कॉटन कॉटन कॉटन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कॉटन कॉटन एकदम राइट, एकदम एब्सोल्युटली राइट, कॉटन कपास उत्पादन के लिए जाना जाता है, कपास उत्पादन के लिए जाना जाता है, वेरी गुड, कपास उत्पादन के लिए जाना जाता है। और आपको मुझे ये भी बताना है, भारत में कॉटन प्रोडक्शन करने वाला सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, कॉटन प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है, इस क्वेश्चन का भी उत्तर आपको मुझे करना है। बहुत ही जबरदस्त आप आंसर कर रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है हमें देख के कि आप सारा लोग इतना अच्छा अच्छा पढ़ते हैं, कॉटन हाउस बॉम्बे, ओके सोयाबीन और कपास, गुड दिनेश यादव, वेरी गुड, कॉटन प्रोडक्शन बिल्कुल सही कहा, कॉटन प्रोडक्शन में पहले नंबर पर कौन सा स्टेट है, आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बताना है, कॉटन प्रोडक्शन में पहले नंबर पर, कपास उत्पादन में पहले नंबर पर कौन सा राज्य है, इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए। शिखा टमटा सबसे पहले आंसर करी है गुजरात, ओके मनोज मेहता करें गुजरात, दिनेश यादव करें एमपी नहीं, आदर्श कुमार करें तमिलनाडु नहीं, नीरज केन करें महाराष्ट्र, महाराष्ट्र एंड गुजरात, दोनों में से एक आंसर बताना है नेहा, महाराष्ट्र, पंकज जाल, कॉटन प्रोडक्शन में पहले नंबर पर है गुजरात, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, गुजरात है ना, गुजरात है ना, तो गुजरात पहला नंबर पर है कॉटन प्रोडक्शन में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए हमने एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन इस पर सॉल्व कर लिया है ना, तो यही एक पढ़ने का स्ट्रेटजी होना चाहिए, जब भी कोई एक पॉइंट पर आप घुसें तो उसके बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए है ना। तो ब्लैक सॉयल इसको बोलते हैं। अच्छा मैं एक और डीप क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, काली मिट्टी होती है, काली होता है, इसमें किस एलिमेंट की मात्रा ज्यादा होती है,
जिसकी वजह से ये ब्लैक होता है, आपको बताना है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, जिसकी वजह से ये ब्लैक होता है आपको बताना है, कौन सा एलिमेंट इस मिट्टी में ज्यादा होता है जिसकी वजह से ये ब्लैक होता है, आपको फटाफट से बताना है। ओके 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 ओके, बॉम्बे नीरज खेन कर रहे हैं बॉम्बे, ओके गुजरात, हिमांशु शुक्ला करें गुजरात, दिनेश यादव करें गुजरात, पांडव सिंह महाराष्ट्र, नहीं बॉम्बे नहीं, आयरन नीरज केन कह रहे हैं आयरन बहुत ज्यादा होता है इसमें, अच्छा आयरन ज्यादा होता है इसकी वजह से ये ब्लैक होता है। ओके फॉर और बताइए कौन बता रहा है आंसर, आयरन आयरन, ओके वेरी गुड। ब्लैक होने का मेन रीजन क्या है कि ये मिट्टी इतना काला होता है कि इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है जिसकी वजह से ये काली होती है, आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बताना है। हम देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं, पहला आंसर कौन करता है, ग्रेनाइट, नहीं 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 ग्रेनाइट नहीं, आयरन ग्रेनाइट आई गेस, नहीं ग्रेनाइट नहीं होगा, आयरन होगा, पोटास होगा, है ना, क्या होगा आपको फटाफट से उत्तर बताना है ना, ठीक है, बेसाल्ट, अच्छा ठीक है बेसाल्ट, ओके 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 ओके, फटाफट से बताएं, इग्नीस ग्रेनाइट बेसाल्ट, पांडव सिंह कह रहे हैं आयरन, ओके वेरी गुड, फटाफट से उत्तर बताइए फटाफट से, अगला क्वेश्चन भी आपकी सामने आ ही चुका है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ ही चुका है, देख लीजिए फटाफट से क्वेश्चन देख लीजिए, है ना, फटाफट से आंसर बता दीजिए। हाँ आपके सामने उत्तर है ये, है ना, फटाफट से उत्तर बताना है आपको, कोबाल्ट पोटास, गुलशन कुमार कह रहे हैं पोटास, वेरी गुड, हाँ पोटास, आयरन की मात्रा क्या पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है ना, पोटास और आयरन की मात्रा क्या पाई जाती है, ज्यादा पाई, मैग्नीशियम, हिमांशु शुक्ला कर रहे हैं मैग्नीशियम, वेरी गुड हिमांशु, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से बताइए, हम आपको यही मिलते हैं, फटाफट से बताइए आंसर, बताइए फटाफट से आंसर बताइए, हाँ फटाफट से आंसर बता दीजिए, हम भी देख लेंगे कौन सही बता रहा है आंसर, हम यही देख लेंगे, है ना, हम यही देखेंगे। मनोज मेहता कह रहे हैं सी ऑप्शन, सी ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन राइट है ना। अब ये क्वेश्चन आप जानते हैं बहुत ही डीप क्वेश्चन है ना, यहाँ पर वही बच्चा आंसर कर पाएगा जो एकदम राइट राइट बता रहा होगा, करेक्ट करेक्ट बता रहा होगा, तो फटाफट से बताइए जरा, जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए। हाँ नीरज केन बता रहे हैं डी, अच्छा डी बता रहे हैं क्या, फटाफट से बताइए, बुमला पास पहला कौन सा है, बुमला पास, बुमला पास कौन से राज्य में आपको यह बताना है, दूसरा है जेलपला पास ये कौन से राज्य में है, तीसरा है मुलिंगला पास, है ना, फिर है शिपकिला पास, है ना, तो आपको ये चार पासेस हैं हमारे, चार दर्रे हैं हमारे, इन दर्रों के बारे में आपको बताना है, फटाफट से आंसर बताइए, फटाफट से आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए, तब हम जाने ना, तब हम जाने कि आप हैं कौन, है ना, किस में कितना है दम, जम के रखना कदम, पांडव सिंह कह रहे हैं बी, वेरी गुड, बुमला अरुणाचल प्रदेश, जेलपला सिक्किम, मुलिंगला हिमाचल, शिपकिला उत्तराखंड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत ही जबरदस्त आप आंसर कर रहे हैं, है ना, तो हम भी देख रहे हैं यहाँ पर कौन कौन बच्चा बहुत सही आंसर कर रहा है ना, तो बहुत ही जबरदस्त जो आंसर करेगा उसको हम इनाम भी देंगे, है ना, ठीक है भाई ठीक है, बहुत ही जबरदस्त आंसर करिए आप फटाफट से, हम देख रहे हैं, बुमला उत्तराखंड, पंकज नियाल कह रहे हैं बी, बी इज करेक्ट आंसर, बहुत सारे लोगों ने आंसर कर लिया है तब से, बी इज करेक्ट आंसर, है ना, बी इज करेक्ट आंसर, फर्स्ट का वन, है ना, बुमला दरा, है ना, फटाफट से बताइए, फर्स्ट का वन, बी का थर्ड, सी का फोर, ओके ओके, मालचंद कह रहे हैं बी, बहुत देर से आए हैं आप, लौट आइए, अब कहाँ गए थे इतनी देर से, है ना, तो फटाफट से बताइए, है ना, बुमला दर्रा कहाँ है भाई, अरुणाचल प्रदेश में, ए का वनी है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, जेलपला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में है, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्किम में है, मुलिंगला दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में है,
मुलिंगला दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। और शिपकिला दर्रा तो आप जानते हैं, शिपकिला दर्रा से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है शिपकिला दर्रा से? सतलुज नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सतलुज नदी प्रवेश करती है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। सपना सजवान वेरी गुड, एकदम राइट आंसर कर रही हैं आप, ठीक है। बी मालचंद पवार कर रहे हैं बी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हाँ एकदम करेक्ट, बिल्कुल एकदम एब्सोल्युटली राइट आंसर है ना। तो देखिए ये होगा बुमला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, यही है ना, इसी पॉइंट पर है। फिर दूसरा जलपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है, यहाँ सिक्किम में है। फिर मुलिंगला दर्रा कहाँ है? मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड में है, हमारे अपने उत्तराखंड में है। और शिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। शिपकिला दर्रा तो हम कई बार पढ़ भी चुके हैं, है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिनेश यादव कहते हैं सतलुज नदी, ओके वेरी गुड। सपना बिल्कुल राइट आंसर, सतलुज 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 सतलुज, एकदम करेक्ट क्वेश्चन, एकदम करेक्ट आंसर बता रहे हैं, ठीक है गुड। यही एक्सपेक्टेशन था आपसे, आप अच्छा आंसर करें। फिर अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP 21 के नाम से भी इसे जानते हैं, है ना, COP 21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ क्लाइमेट चेंज वॉज हेल्ड इन नवंबर दिसंबर 2015 8। मैं इसके बारे में बहुत डिटेल से आपके साथ चर्चा भी करूंगा इस क्वेश्चन के, और इस क्वेश्चन की जब चर्चा करेंगे तो हम काफी कुछ नया सीखेंगे भी आज, है ना। तो ये कॉप जो 21 है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, है ना, ये किससे रिलेटेड है? इन्वायरमेंट चेंज से रिलेटेड है, आप सभी लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, है ना। तो दिसंबर 2015 में इसका एक सम्मेलन हुआ था, और हमारे यहाँ से जो भाग लेने पार्टिसिपेट करें, जावड़कर साहब, है ना, अब पूरा नाम क्या है उनका, प्रकाश जावड़कर साहब गए थे, तब वो हमारे पास इन्वायरमेंट मिनिस्टर होते थे, पर्यावरण मंत्री होते थे, उनके ऊपर पूरा जिम्मा सौंपा गया था इसको टैकल करने के लिए। तो आपको बताना है कि वो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है ना, वो कहाँ पर हुआ था, मैं बता दूँ उससे पहले, है ना, 2014 में, मतलब ये मीटिंग से पहले ना एक तैयारी करने के लिए एक मीटिंग रखा गया था 2014 में एक मीटिंग रखा गया था, और वो गया वो पेरू की राजधानी लीमा, वो कहाँ रखा गया था, लीमा में रखा गया था। पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा। तो वो लीमा में रखा गया था। फिर 2015 में फाइनल एक मीटिंग होना था, वो मीटिंग कहाँ रखा गया था उसके बारे में चर्चा हो रही है यहाँ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, ओके, बेसिकली फ्रॉम यही लोकल देहरादून से ही, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन YouTube चैनल पर भी मिल जाएगी, इन्फॉर्मेटिव ऑल भी मिल जाएगा, ठीक है। रविंदर सिंह, ठीक है, मनोज मेहता करें सिंगापुर, नहीं गलत आंसर है, पेरिस फ्रांस में, रॉन्ग आंसर होगा। दिनेश यादव करें लंदन, नीरज कह रहे हैं बी सिंगापुर, ओके बी सिंगापुर, बी, बहुत सारे लोग का बी आ रहा, पेरिस फ्रांस, अच्छा पेरिस में नहीं, पेरिस में तो नहीं हुआ था, है ना। सी बी गुड इवनिंग सुबोध भट्ट कह रहे हैं, वेरी गुड इवनिंग सुबोध, लेट हैं आप, थोड़ा सा लेट नहीं है, बहुत लेट हैं आप, है ना। तो बताइए जरा फटाफट से, पेरिस अकॉर्डिंग वॉज साइंड पेरिस फ्रांस, अच्छा ए शिखा टमटा कह रही है लंदन, गुलशन कुमार कह रहे हैं डी, मालचंद पवार कह रहे हैं ए। जरा हम बता दें भाई, हाँ उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा साहब, बहुत ही पीसफुल आदमी थे। बराक ओबामा साहब को 2009 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, जब 2008 में वो राष्ट्रपति बने थे। तो राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वर्ष 2014 तक अमेरिका की सेनाएं अफगानिस्तान से वापस आ जाएंगी, वहां पर शांति बहाल करेंगी। और जब शांति का उन्होंने बहुत ज़्यादा पाठ पढ़ा, तो इसीलिए 2009 में उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उनकी लाइफ में वो। उसके बाद बराक ओबामा साहब ने ही प्रयासों से, आप जानते 2015 में बहुत सारे अच्छे काम हुए थे, है ना, एक तो ईरान के साथ परमाणु समझौता, जिसे पीस क्लॉज भी बोला गया था, शांति समझौता भी बोला गया था, ईरान के साथ वो होता है ना। और दूसरा जो लंदन में हुआ था, कौन सा जो ये सम्मिट हुआ था, सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन को जो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो हुआ था नवंबर दिसंबर में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, इस पर भी ये कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था, ध्यान रखिएगा सभी, लंदन में हुआ था। और इस पर बराक ओबामा साहब के साथ पूरी दुनिया ने हाँ बोला था कि यस हम कार्बन को रिड्यूस करने के लिए
कानूनी एक लॉ बनाएंगे, और अंडर द एक्ट वी विल रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन या इरोजन ऑफ कार्बन, यानी हम कार्बन को प्रोड्यूस करना क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ये कानूनी रूप से बाध्य होना था, है ना। अब 2016 में अमेरिका में चुनाव हो गए, और जैसे चुनाव होकर ट्रंप आए, जानते हैं कैसे कार्टून थे, तो ट्रंप साहब ने उनके दो तीन फैसलों को बदल दिया। एक फैसला तो ये बदला कि ईरान के साथ जो परमाणु समझौता हुआ था उसको रद्द कर दिया, ठीक है, और दूसरा जो उन्होंने इस ट्रीटी पर जो लंदन में हुआ था नवंबर दिसंबर 2015 में लंदन में जो सम्मेलन हुआ था, जिसे हम इस समिट को जानते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से जानते हैं, इस सम्मेलन में जो उन्होंने बोला था भाई कार्बन रिड्यूस करने से रिलेटेड जो उन्होंने शर्तें रखी थी उसको भी क्या कर दिया, उन्होंने कहा हम रिजेक्ट करते हैं, है ना। तो ये ट्रंप साहब ने बराक ओबामा साहब के डिसीजन को क्या कर दिया था, टोटली बदल दिया था। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। नीरज कियन कह रहे हैं बी 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 नहीं, पेरिस सम्मेलन तो था, पेरिस सम्मेलन एक और था जो उसी समय में हुआ था, लेकिन दैट इज अ डिफरेंट, तो वो कौन था, लंदन में हुआ था, पार्टीज ऑफ कॉन्फ्रेंस, ओके ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, 9 क्वेश्चन है आज का, 9 क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द ऑक्यूरेंस ऑफ द सोलर इक्लिप्स, निम्नलिखित में से कौन सूर्य ग्रहण को सही से दर्शाता है, सोलर इक्लिप्स, है ना। तो बेस्ट एक्सप्लेन द अक्यूरेंस ऑफ द सोलर इक्लिप्स, है ना, सूर्य ग्रहण को कौन सा सही से बताता है, तो बताओ तो जरा सूर्य ग्रहण के बारे में सही एक्सप्लेनेशन कौन सा है। मदन सिंह गुड इवनिंग, गुड नाइट, अरे बाप रे गुड नाइट मदन सिंह, बाप रे मदन सिंह गुड नाइट, अभी तो 8:30 बज रहा है, गुड नाइट अभी से हो गया है क्या, ठीक है वेरी गुड। आदर्श कुमार करें सर, देहरादून में आपकी एकेडमी कहां पर है, एड्रेस जो है एकेडमी का वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होगा। जब आप सर्वे चौक से करणपुर रोड पे अंदर आएंगे तो लगभग 200 मीटर आप आगे आएंगे तो राइट हैंड पर ही आपको जीएस अकेडमी डिफेंस कैंपस का बोर्ड दिख जाएगा। सर्वे चौक से मुश्किल से 100-200 मीटर के बीच में ही आपको दिख जाएगा, रॉयल इनफील्ड शोरूम के पास में ही, है ना। तो अकेडमी को अगर आप पहुंचना है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके, हम लिंक भी शेयर कर सकते हैं करंट लोकेशन का, तो आप वहीं पर मिल सकते हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नीरज कियन कह रहे हैं डी नन ऑफ द अबव, अच्छा पोजिशन ऑफ द मून बिटवीन सन एंड अर्थ, पोजिशन ऑफ मून बिटवीन सन एंड अर्थ ऑन अ न्यू मून, है ना, तो फटाफट से बताइए जर। यशु भट्ट कह रहे हैं पेरिस है सर आंसर, पेरिस में, ठीक है, पेरिस में जो सम्मेलन बुलाया गया था ना वो बुलाया गया था जो हमारा डरबन सम्मेलन 2009 का और 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल खत्म हो रहा था, तो उसकी जो सीमा थी बढ़ाने के लिए उसका पेरिस में सम्मेलन बुलाया गया था, और उससे पहले वो 2012 में लगभग बुलाया गया था, है ना। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 21st है ना, ये उसी से रिलेटेड है, लेकिन ये अलग है थोड़ा सा, है ना, ठीक है, इसमें डिबेट होता है। आलोक कुमार करें सर आप अनअकैडमी पर भी हो, अनअकैडमी पर रहने का क्या मतलब बनता है, है ना, अनअकैडमी पर अब छोड़िए ना, अनअकैडमी पर, है ना, क्या करें अनअकैडमी पे आके, पढ़ाना ही है, यहाँ भी हम पढ़ा ही रहे हैं, है ना, ठीक है। देखा ना कैसे कैसे टीचर अनअकैडमी से बाहर हुए हैं, है ना, और क्यों बाहर हुए उन्होंने अपनी कहानी यूट्यूब पर बताई भी है ना, तो कहे जाना है अनअकैडमी पर, ठीक है। COP21 पेरिस में हुआ था सर, ओके रचित, ठीक है, ओके राइट। हिमांशु शुक्ला कह रहे हैं ए, शिखा टमटा कह रहे हैं ए, नीरज कैन कह रहे हैं बी और डी, सपना सजवान कह रहे हैं ए, ओके यस यस ठीक है। अच्छा सपना सजवान कह रहे हैं ए, नीरज कह रहे हैं बी और डी, अच्छा बी और डी कैसे हो जाएगा, ए और बी हो सकता है, बी और डी कैसे हो जाएगा, है ना। सोलर इक्लिप्स बताइए फटाफट से, सूर्य ग्रहण की सही स्थिति बताइए फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए सोलर इक्लिप्स जल्दी से, जल्दी से बताइए, जब सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, पोजीशन ऑफ द मून बिटवीन द सन एंड अर्थ, जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है,
जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है? सोलर इक्लिप्स होता है। ए ए ए आंसर क्या होगा? ए इज राइट, वेरी गुड, ए इज राइट आंसर। फटाफट से देख लीजिए, ए इज राइट आंसर। पंकज उनियाल ए, विकास जवड़ बहुत पुराना आंसर कर रहे हैं, आयरन, ओके। फटाफट से, ए इज राइट आंसर भाई। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए, ध्यान रखिएगा वो है ए, ओके, ए ए इज राइट आंसर। ठीक है, ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज पास्ड ऑन 26 जनवरी 1930 एट कहां पर? निम्न में से किस जगह पर 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से आपको बताना है, जल्दी से आप बताइए। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, फटाफट से बताइए कि 1930 में 26 जनवरी पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तिरंगा फहराया गया था, कौन सी नदी के तट पर और प्लेस कौन सा था? आपको वो बताना है ना। पंकज उनियाल कह रहे हैं कराची, रचित चंडेल कह रहे हैं लाहौर, वेरी गुड, अंजलि खत्री कह रहे हैं बी लाहौर, शिखा टमटा कह रही हैं लाहौर। और कहाँ गए भाई सारे आंसर देने वाले, अब बताओ जरा। सपना सजवान कह रही है लाहौर, ओके, बिल्कुल सही। कौन सी नदी के तट पर है भाई? लाहौर। जरा फटाफट से उत्तर भी ये भी दीजिए, दे दीजिए साथ में। गुलशन कुमार बी लाहौर, इन द कोस्ट ऑफ रावी रिवर, ओके। नीरज कियन कह रहे हैं बी, हिमांशु शुक्ला कह रहे हैं बी, ओके, लाहौर इन द कोस्ट ऑफ रावी रिवर, लाहौर इन द कोस्ट ऑफ रावी रिवर, लाहौर में रावी नदी के तट पर हुआ था, ओके, लाहौर में रावी नदी के तट पर हुआ था। अरुण वशिष्ठ कह रहे हैं बी, अरुण वशिष्ठ कह रहे हैं बी बी बी, लाहौर 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 इन द कोस्ट ऑफ रावी रिवर, वेरी गुड वेरी गुड, लाहौर लाहौर। सुबोध भट्ट कह रहे हैं बी, मदन सिंह कह रहे हैं ए, नहीं मदन सिंह, ए इज रॉन्ग आंसर, है ना, लाहौर में हुआ था रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा फहराया गया था। और इस चेयरपर्सन जो कर रहे थे इस अधिवेशन में, 1929 के में ही अध्यक्ष बन चुके थे, 1930 में सेशन हुआ नहीं था, तो इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, है ना, और उनके ही टाइम में यह कर दिया गया था कि नाउ नई दिनेश कराची इज रॉन्ग आंसर, लाहौर इन द कोस्ट ऑफ रावी रिवर, है ना, कराची रॉन्ग आंसर होगा। तो इन द कोस्ट ऑफ रावी रिवर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिक्लेयर किया गया। नाउ द नाउ द गोल ऑफ कांग्रेस इज कंप्लीट स्वराज, पूर्ण स्वराज का एक प्रस्ताव पास किया था, है ना, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की ओर देते हैं। हु वॉज द वॉयसरॉय वेन द साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया? जब साइमन कमीशन भारत आया था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे या वॉयसराय कौन थे? आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप फटाफट से आंसर बताइए तो हम जाने, है ना, जल्दी से बताइए, जल्दी से फटाफट से उत्तर दीजिए, फटाफट से उत्तर दीजिए। लाहौर सेशन, यस बिल्कुल सही कहा, लाहौर सेशन, नीरज कियन कह रहे हैं लाहौर सेशन, बिल्कुल सही कहा नीरज कियन। अब आंसर कर रहे हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेलिंगटन, है ना, फटाफट से आंसर बताइए भाई, फटाफट से आंसर बताइए। नीरज के नहीं आंसर कर रहे हैं, धड़ाधड़ आंसर कर रहे हैं, और लोग सोच रहे हैं कौन थे कौन थे, है ना। साइमन कमीशन भारत आया कब था, है ना, भारत क्यों आया था, इस क्वेश्चन के उत्तर तो चाहिए। ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, अच्छा ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, हाँ, कौन बताएगा राइट उत्तर, कौन बताएगा राइट उत्तर, सही उत्तर बताने वाले को नाम दिया जाएगा, कौन है भाई फटाफट से बताइए। सपना सजवान कह रहे हैं रावी, ठीक है, टेंगो, जय हिंद सर जी। अरे टेंगो भाई हमेशा लास्ट में आता है भाई, ऐसा धमाकेदार उत्तर देता है ना टेंगो, जबरदस्त एकदम, धड़ 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 से करके, है ना, तो टेंगो जय हिंद, फटाफट से आ जाइए, है ना, और आप आएंगे देखेंगे कितना जबरदस्त आंसर चल रहा है इधर।
शायद वेलिंगटन, पता नहीं, है ना दिनेश यादव, तू ना थकेगा कभी, तू ना रखेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, है ना। बहुत ही जबरदस्त डायलॉग भेज रहे हैं दिनेश यादव। सी सी सी, लॉर्ड इरविन लॉर्ड इरविन लॉर्ड इरविन लॉर्ड इरविन लॉर्ड इरविन, ठीक है ठीक है। लॉर्ड इरविन, सपना सजवान कह रही है सी लॉर्ड इरविन, आदर्श कुमार कह रहे हैं ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ना 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 ना। रविंदर सिंह कह रहे हैं सी, वेरी गुड। हिमांशु शुक्ला कह रहे हैं लॉर्ड इरविन, हाँ भाई, उसके बाद तुरंत गांधी इरविन पैक्ट भी तो होता है, ये भी तो सोचो, काहे नहीं सोच रहे हो। अब ये बताओ साइमन कमीशन भारत कब आया था, अब ये बताओ साइमन कमीशन भारत कब आया था, है ना, साइमन कमीशन भारत कब आया था, फटाफट से उत्तर बताइए। 1926 में आया था, 1927 में आया था, या 1928 में आया था, फटाफट से उत्तर बताइए। लॉर्ड इरविन, मालचंद कह रहे हैं बी लॉर्ड, सपना सजवान कह रहे हैं लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, है ना, 1928 में आया था। पांडव सिंह कह रहे हैं आंसर, फटाफट से बताइए। फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए, उत्तर बताइए भाई, जल्दी से उत्तर बताइए, धमाकेदार। हाँ भाई, शेयर तो करते ही नहीं है ना बच्चे, अब बच्चों क्या करें, हम डंडे से पीटे हैं इन्हें, है ना, शेयर नहीं करते हैं। 1928, 1920, हिमांशु शुक्ला कह रहे हैं 1927, 1928, नीरज केन कह रहे हैं 1920, साइमन कमीशन केम इंडिया इन 1928, 1927 में आए थे, 1928 में आए थे, देखो इसी बात को लेकर कंफ्यूजन है। बताओ आज तक आपने क्या पढ़ा है, हम तो इस विषय में सोच रहे हैं, मतलब मजबूर हो गए हम सोचने को, है ना, कि आज तक आपने किया क्या है, है ना, कि आपको ये पता नहीं है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु, ओके दिनेश यादव, वेरी गुड वेरी गुड, है ना, वेरी गुड, एकदम करेक्ट। सपना सजवान करें 1928 आई थिंक, 1927 हिमांशु शुक्ला, 1927 में डिक्लेयर हुए थे, 1928 में आए थे, 1928 में ही नेहरू कमेटी बनी थी, है ना, नेहरू कमेटी बनने के बाद 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बने थे, कांग्रेस अध्यक्ष बने, 1930 में उन्होंने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया, 1930 में गांधी जी का सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट स्टार्ट होने जाता है, फिर 1931 में कराची सेशन ऑफ कांग्रेस होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और आपको इनमें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैस आर द मेजर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू स्मोग एंड एसिड रेन, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। अब ये आंसर अगर नहीं बताया ना सबने, सब पिटेंगे, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, बच्चों नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है, कौन सी क्लास का क्वेश्चन है, नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना सब लोग, और नर्सरी क्लास का क्वेश्चन में अगर गलत किया ना तो बहुत पीटे जाओगे, बहुत पीटे जाओगे, ये बात ध्यान रखना। ओके, डिक्लेयर हैज एंड द कम इन 1928, बिल्कुल सही कहा, 1927 में डिक्लेयर हुआ, 1928 में भारत आए। आपको बताना है, क्या बताना है आपको, ये बताना है आपको, है ना, बताना क्या है आपको, निम्न में से कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं, है ना, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, है ना, SO2, NO2, 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 CO2, NO2, CO2, CO2, NO2, है ना, ये 2 होगा क्या, CO2, फटाफट से बताइए, फटाफट से उत्तर बताइए क्या, ठीक है, बी SO2, CO2, अच्छा, सी ए ए, अगर इस क्वेश्चन का आंसर किसी ने गलत बताया ना तो CO2 NO2 CO2 NO2 NO2 SCO2, हिमांशु शुक्ला ए, पांडव सिंह कह रहे हैं ए SO2 CO2, ठीक है, बी एंड डी आर सेम, बी एंड डी आर सेम, सेम कहाँ है, ये देखो ना, यहाँ 2 कहाँ लगा है, जब यहाँ 2 लगेगा तभी तो सेम होगा,
रविंदर सिंह कह रहे हैं, डी नीरज कियन कह रहे हैं, ए एन ए टू एस ओ टू, एन ओ टू एन ए टू एस ओ टू, फटाफट से बताइए, ए ए ए ए ए नीरज कियन कह रहे हैं ए, फटाफट से बताइए, फटाफट से जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए कौन सी गैसें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जल्दी से बताइए जल्दी से, फसा फटाफट से बताइए भाई कहां गए। ए इज राइट सर, ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ठीक है, कौन सी गैसेस यूज होती हैं, एसओ टू, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फटाफट से बताइए, है ना जल्दी से बताइए, एसओ टू क्या है, एसओ टू कि ठीक है, एनओ टू भी है, अरे जल्दी से बताइए भाई कहाँ चले गए, एनओ टू ध्यान से देख लीजिए और आज के बाद याद हो जाना चाहिए, नहीं तो पीटे जाओगे बहुत, जितने भी लोग गलत आंसर बता रहे हैं ये, है ना ये ध्यान रखना, बहुत पीटे जाओगे बहुत, अन्यथा आपकी पिटाई कर करके आपको ऐसा मारा जाएगा। कालीबंगा द इंडस वैली साइट इज इन, सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगा किस राज्य में है, फटाफट से इस बात का, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई, ये तो आपका एकदम से ऐसा हो जाना चाहिए एकदम से धड़ से करके, है ना मालचंद पवार ए ए, ठीक है। कालीबंगा द इंडस वैली साइट इज इन, सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगा किस राज्य में है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, फटाफट से करिए, तो जरा जल्दी जल्दी से करिए जल्दी जल्दी से। ए ए साक्षी तिवारी कह रहे हैं ए ए ए राजस्थान में है ना, कालीबंगा मतलब काली चूड़ियां, ब्लैक बैंगल्स यहां से फाइंड आउट हुई थी, है ना हल के निशान है ना यहां से प्राप्त हुए थे, कालीबंगा ब्लैक बैंगल्स के नाम पर ही यहां का नाम क्या पड़ा है, कालीबंगा पड़ा है, राजस्थान में है, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट, निम्न में से कौन बताता है या कौन परिलक्षित करता है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, है ना भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है या परिलक्षित होता है, कहां से पता लगता है कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है, फटाफट से इस क्वेश्चन का उत्तर करिए, कैसे पता लगता है कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है। नीरज कैन कह रहे हैं राजस्थान, सपना सजवान राजस्थान राजस्थान, शिखा टमटा कह रही हैं राजस्थान, वेरी गुड शिखा, हिमांशु कह रहे हैं ए वेरी गुड, मालचंद कह रहे हैं राजस्थान, ओके वेरी गुड मालचंद, एकदम करेक्ट आंसर है। अब बताइए आपके सामने क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन जो है आपके सामने वो ये है कि क्वेश्चन है ये है आपके सामने कि नीरज कैन डी डी डी, सत्येंद्र सिंह नेगी कह रहे हैं डी वेरी गुड, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सत्येंद्र नेगी वेरी गुड आंसर, शिखा टेम्टा कह रही है प्रियम्बल, पांडव सिंह कह रहे हैं ए नहीं रॉन्ग आंसर, सत्येंद्र नेगी कह रहे हैं डी, वेलकम सत्येंद्र नेगी, प्रियम्बल वॉज प्रिपेयरिंग डिनर, अच्छा तो लगा लीजिए इसे खिड़की में ऐसे खुला रख दीजिए, सत्येंद्र नेगी कह रहे हैं डी वेरी गुड सत्येंद्र नेगी, एकदम राइट आंसर है आपका, एब्सोल्युटली तैयारी बहुत अच्छे स्तर में है, इसे और आगे अच्छे से बढ़ाइए, ओके डी प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस एकदम करेक्ट आंसर है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी डी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र में गणराज्य बनाने के उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीति विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है ना व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए है ना बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को एतत द्वारा अपने संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। तो प्रियम्बल से ही हमें पता लगता है कि हम एक क्या है सेकुलर कंट्री है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके राइट राइट आदर्श कुमार करें वेरी गुड एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। मीराबाई चानू देख लो भाई, मीराबाई चानू से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है ना, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यहाँ आ गया है, जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन आ गया है, मीराबाई चानू के द्वारा रजत पदक जीता गया है ना, तो वो किस में जीता गया, रेसलिंग में जीता गया, वेट लिफ्टिंग में जीता गया, लॉन्ग जंप में जीता गया, 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता गया, फटाफट से उत्तर बताइए, ओके राइट राइट फटाफट से उत्तर दीजिए। मीराबाई चानू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, मीराबाई चानू है ना, मीराबाई चानू जो है ठीक है बी वेट लिफ्टिंग
वेट लिफ्टिंग, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ओके ओके। नीरज केन कह रहे हैं ए ए ए ए। सत्येंद्र सिंह कह रहे हैं बी, वेरी गुड बी, एकदम राइट आंसर है। कितना केजी में, कितना केजी वेट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, आप फटाफट से बताइए, कितना वेजी में उन्होंने, मतलब कितना वेजी केट में, वेट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 49 kg वीमेन, नेहा राणा कह रही हैं वेरी गुड, 49 kg में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उनके राज्य का नाम बताइए फटाफट से, स्टेट कौन सा है उनका, जल्दी से उनके राज्य का नाम बताइए। हम देखिए कंप्लीट यहीं पढ़ लेंगे, वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, वेरी गुड वेरी गुड, 49 kg ग्रुप, वेरी गुड, एकदम राइट आंसर है। 49 kg सपना सजवान करी है, वेरी राइट आंसर। नीरज केन कह रहे हैं नहीं रॉन्ग आंसर, नेहा राणा 40, ठीक है 249 वेमेन, वेरी गुड 49। पांडव सिंह राइट, राज्य कौन से, कौन से राज्य से आती है मीराबाई चानू, कौन से स्टेट से आती है, आपको इस क्वेश्चन का उत्तर देना है, फटाफट उत्तर दीजिए। हाँ मणिपुर, सत्येंद्र सिंह नेगी कह रहे हैं मणिपुर, वेरी गुड, मणिपुर से आती हैं, मणिपुर से आती हैं, मणिपुर से आती हैं, वेरी गुड, मणिपुर से आती हैं, मणिपुर से, मणिपुर से, मणिपुर से, मणिपुर से, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मणिपुर से आती हैं। वेट लिफ्टिंग मणिपुर, मणिपुर, वेरी गुड, मणिपुर से आती हैं, एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम राइट आंसर है। उन्होंने वहां पर सिल्वर मेडल जीता है, और आगे आने वाले प्लेयर के लिए हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक भाई, सबके लिए बहुत अच्छा करके आए सारे लोग। अभी तक भारत ने क्या कोई गोल्ड मेडल जीता है, जिसने गोल्ड मेडल जीता है उनका नाम क्या है, स्क्रीन पर दौड़ते हुए दिखना चाहिए, उनका नाम क्या है फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से, मणिपुर मणिपुर मणिपुर, भारत की ओर से किसने गोल्ड मेडल जीता है, फटाफट से उत्तर बता दीजिए, क्या किसी ने जीता है, पहले तो यही बता दीजिए, हाँ और ना बता दीजिए, क्या किसी ने गोल्ड मेडल जीता है ना, फटाफट से बता दीजिए। अखिलेश कुमार बहुत लेट आए हैं, बहुत लेट आए, दो देर पहुंचे दुरुस्त पहुंचे, है ना, है ना, तो अब आप बताओ जरा क्या बताएंगे आप यहाँ, ओके हैंड्स एंड फीट, ओके नील आर्ट, ओहो बहुत देर हो गई है, हैंड्स एंड फीट, सब्सक्राइब भी करते चले भाई, जो लोग आज नए जुड़े हैं चैनल पे सब्सक्राइब करते हुए चले चैनल को। और पी के संधु, नीरज केन कह रहे हैं अभी तक तो नहीं जीता सर। प्रिया मलिक, सपना सजवान कह रही है प्रिया मलिक, पी के सिंधु, देखिए दो तीन आंसर आ रहे हैं, कोई कह रहा है एक भी नहीं जीता, कोई नाम गिना दे रहा है, 2020 टोक्यो में तो नहीं जीता गोल्ड, अभी तक नहीं जीता है अभिनव बिंद्रा शूटिंग, अरे बाबा मैं पूछ रहा हूं क्या अभी 2020 वाले में जीता है, हाँ या ना, ना तो ना, हाँ तो कौन, ना तो ना, है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है कि टोटल गेम्स कितने प्ले हो रहे हैं, है ना, टोटल नंबर ऑफ गेम्स, हाउ मेनी टोटल गेम्स आर प्रेजेंट इन टोक्यो ओलंपिक, कितने खेल खेले जा रहे हैं, है ना, टोटल नंबर ऑफ गेम्स कितना है, तो आपको यह बताना है। सर मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलेंगे, अच्छा ठीक है, हाँ जीता है, सत्येंद्र सिंह नेगी कह रहे हैं जीता है, आदर्श कुमार प्रिया मलिक ने ओलंपिक में नहीं जीता, फिर किसमें जीता है ना, आप इस बात का उत्तर दीजिए, क्या पैरा ओलंपिक में जीता है ना, नहीं सर, ठीक है ठीक है ठीक है, फटाफट से आंसर करिए, आगे बढ़िए, आंसर करिए आगे बढ़िए, आंसर करिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ गेम्स कितने हैं ओलंपिक में इस बार, जल्दी से उत्तर दें, टोटल नंबर ऑफ गेम कितने हैं ओलंपिक में इस बार, फटाफट से, नहीं जीता है, ठीक है बिल्कुल नहीं जीता है, अब चमोली की के गाड़ी में आएगा, ठीक है चमोली की गाड़ी में आएगा, अच्छा प्रिया मलिक वह वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप, पांडव सिंह 33, नहीं नहीं 33 नहीं भाई 33 नहीं, और कौन है, ओलंपिक में इस बार कितने गेम्स होने जा रहे हैं, टोटल कितने गेम्स हैं ओलंपिक में इस बार, है ना बताइए तो, अरे बताओ ना, वेरी गुड बहुत बढ़िया तैयारी, 33, अच्छा भाई इतना ही गिन पाए आप लोग, 33 मालचंद पवार, और बताओ जरा, साक्षी तिवारी कह रहे हैं 33, अच्छा 33, 36 तक तो हमको पता है ना, टोटल कितना गेम खेला जा रहा है भाई, कौन बताएगा टोटल कितना गेम खेला जा रहा है, कौन बताएगा,
37 हैंड्स एंड फीट एकदम राइट आंसर बता रहे हैं। यस 37 गेम्स खेले जा रहे हैं। 100% राइट आंसर 37। 36 कुछ टाइम पहले तक था, इसमें नया गेम एक जोड़ा गया और फिर क्या हो गया, 37 हो गया है। हाँ ये नहीं पढ़ा सर, यही तो पढ़ना है। 11,000 प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 206 देशों के 37 गेम्स होने जा रहे हैं जहां 11,000 प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है आदर्श कुमार 37, यस 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 बिल्कुल एकदम राइट आंसर है। अगला देखूंगी, विच प्लेस बिकम द 39 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन सा स्थल भारत का यूनेस्को का 39th विश्व विरासत सूची में स्थल बना है। लेटेस्ट क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, आपको इसके अलावा और कहीं नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन, ये बात भी ध्यान रखिएगा, है ना। तो आपको क्या बताना है, फटाफट से उत्तर दीजिए, फटाफट से उत्तर दीजिए कि हाल ही में कौन सा प्लेस को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है और वो कौन सा प्लेस बना है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले क्वेश्चन पूछा भी था कि भारत में 38 प्लेस थे और ये कौन सा बना है, 39वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। रुद्रेश्वर टेम्पल वारंगल तेलंगाना, रुद्रेश्वर, रुद्रेश्वर ऑफ दी, ठीक है रुद्रेश्वर टेम्पल वारंगल, वेरी गुड करेक्ट आंसर। आज का अंतिम क्वेश्चन सबसे जबरदस्त क्वेश्चन था भाई, है ना। सबको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, एक सबको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। सी 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 सपना सजवान कह रही है, सी 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 सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए वहां पर। ये एग्जाम में, एफकैट वाले एग्जाम में, सीडीएस वाले एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो आपका उसमें जरूर आएगा। मैं आज कह रहा हूं 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, इसलिए आपको ये आज ही याद कर लेना है कि रुद्रेश्वर टेम्पल वारंगल तेलंगाना में लोकेटेड है, इसे भारत का 39वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपना सजवान सी 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 सी, पांडव सिंह सी सी सी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एकदम करेक्ट आंसर। चलो भाई आज के लिए था ये इतना, है ना। आज के लिए हम यहीं पर विराम देते हैं, है ना। बहुत ही लंबा, लगभग हमें लग रहा है लगभग 1 घंटा 21 मिनट क्लास हो गया है, है ना। बहुत जल्द ही आपके लिए एक संडे को, मे बी इस वाले संडे को, हम अप्रैल मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर्स लाएंगे, फिर अप्रैल के बाद मई का, फिर मई के बाद जून का, जून के बाद जुलाई का, लगभग जो चार महीने हमारे पास हैं उन 4 महीने का कंप्लीट करंट अफेयर्स हम लेके आएंगे। 3-3, 4-4 घंटे की क्लास होंगी, मैराथन क्लासेस होंगी, तो उनमें हम कंप्लीट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे इन आने वाले एग्जाम्स के लिए। कोई भी एग्जाम आपका हो उसके लिए करंट अफेयर्स कंप्लीट यहां पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। घबराएं नहीं, बिल्कुल नहीं, डरे नहीं, आगे बढ़ते रहें, निरंतर बढ़ते रहें, चलते रहें, रुकना नहीं है ना। रुकेंगे तो आप फिर, है ना, बेकार। रुकी हुई चीजें कभी भी अच्छी नहीं लगती हैं, है ना। इसलिए आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है, है ना, हमेशा आगे बढ़ते रहना है, है ना। और ठीक है, थैंक यू सो मच, है ना, वेलकम, आपका वेलकम है। तो जल्दी हम करेंगे आगे, सभी लोग शेयर करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। लाइक के बारे में बता रहे हैं, आज बहुत अच्छे लाइक किए हैं आप सभी लोगों ने, है ना। ओके, आप सभी लोगों को वेरी गुड नाइट, हैव अ कलरफुल ड्रीम्स, है ना। आप सभी लोगों को बहुत ही रंगीन रंगीन सपने आए, है ना। ठीक है, साक्षी तिवारी, बी नहीं बल्कि रुद्रेश्वर टेम्पल सी इसका आंसर होगा। थोड़ा लेट से आपका आंसर आ रहा है तो हम बता दे रहे हैं कि सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए ठीक है, जय हिंद, गुड नाइट। जय हिंद आप सभी लोगों को भाई, गुड नाइट। चलिए ठीक है, आज के लिए।